तो एक सुमन नाम के व्यक्ति ने कही, ए अहमद शाह खामोश रहे, अगर इतना ही बड़ो राजा है तो जा भरतपुर ते दामी लिया आओ ना तुम। आज तक मैं दाग ताल ठोक के कह सके भरतपुर की रियासत किसी के गुलाम नहीं हुई। ओहो आग लग गई अहमद शाह की। अरे एक परमानो लिख दियो पूरी हालात जान के कि अपनी किशोरी रानी जो बहुत खूबसूरत है वहां को डोला दे के जा और माफी मांग के जा और हमते हमारे पैर पकड़ जब जिंदो छोड़ेंगे और नहीं तो बख्शूंगो नहीं। और परमानो लिख के हलकारे दे दियो जहां भरतपुर राजा को दरबार लग रहो। जब हलकारे ने परमानो जाके दियो और सरदारो जब वो परमाने में जो जो बात लिख रही ओहो पढ़ने वारो पढ़ रो है और सूरजमल महाराज की मोचन पे हाथ पड़ गो। और एक बात बताऊं सरदारो, वैसे तो आप मुझे कई गुने ज्यादा जाने, ये निश्चित ही भरतपुर में का ये पूछ लो सूरजमल के मोचन पर जब हाथ पड़ो जब लड़ाई हुई। आइए किस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है क्या होता है क्या होता है। अरे सूरजमल ने खत पढ़ो रे थे वो आज भी आप देखें वहां गिरिराज महाराज के बड़े जयकारे लगाए जाएं।
संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। खैर मैं पौराणिक बातों में नहीं जाना चाहता, आगे बात यह है सजनी, किस प्रकार से सरदारों महाराज भरतपुर ने कही एक अगर ऐसी बात है तो रानी को डोला चाहिए तो मो तेरी शर्त मंजूर है। सजले मैं दिल्ली आयो तेने सोता शेर जगायो, कर दूं शर्त सब पूरी ना एक भी रहे अधूरी। रे गीदड़ की धमकी ते भैया सिंह कभी नहीं डरते रे, सर्प ततैया बिर मोहर ये छेरत खेम अकर तेरे। कर दिए ऐलान सजे सब जवान भरतपुर बारे, और जिनके तन में भर गयो जोश दें गिरिराज के जयकारे। और क्या हो सरदारो सुनो कैसे, फिर लश्कर सजवायो है, फिर लश्कर सजवायो है, रन को बजवायो है, बिगुल रन को बजवायो है, हाथ में ले अपने हथियार, हाथ में ले अपने हथियार, हाथ में ले अपने हथियार, हाथ में ले अपने हथियार। फौज के बीते सिंकारे, फौज के बीते सिंकारे, फौज के बीते सिंकारे, फौज के बीते सिंकारे। ओ जाए दिल्ली पे ललकारे, 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 जाए दिल्ली पे ललकारे। ओ करी ना मन अपने शंका, करी ना मन अपने शंका, ओ करी ना मन अपने शंका, करी ना मन अपने शंका। युद्ध को बजा दियो डंका, 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 युद्ध को बजा दियो डंका। दिल्ली में पहुंचे जाए, दिल्ली में पहुंचे जाए, दिल्ली में पहुंचे जाए भरतपुर के वे नरबंका। अरे देहली के मैदान में, सरदारों ध्यान से सुनना क्या, अरे देहली के मैदान में गए पहुंच बहादुर जाट जी, और शोर गुल करने लगे जिनके निराले ठाट जी। अहमद शाह ने भी देख के अपने सजा लिए जवान जी, नहीं जाय बच के एक भी हिंदू के हर लियो प्राण जी। सरदारों इधर ते तो महाराजा सूरजमल ने चढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है, अपने घर पे तो दुनिया दुनिया मार ले, पर दूसरे के घर में घुस के मारे वो अलग बहादुरी है। अहमद शाह ने भी ऐलान कर दिया कि भाई एक भी नहीं बचना चाहिए, इन हिंदू ने पकड़ लिया और कत्ल करो एक एक करके। और कैसे क्या लिखो गुरु जी ने, आज मेरे गुरुजी की 13वीं थी जिन्होंने इसे लिखा, मेरी एक श्रद्धांजलि भी उनके लिए होगी। आइए सरदारों क्या लिखा है भला, अहमद शाह ने ऐलान तुरंत कर दिए, अहमद शाह ने ऐलान तुरंत कर दिए, हट हट के, हट हट के, हसन के,
विक्रम ते पत्रा महलन पहुंचो जाई विक्रम ते पत्रा महलन पहुंचो जाई अरे विक्रम ते पत्रा महलन पहुंचो जाई और ते कछु अकिल बता और घड़ी विपत की आई तेरे कछु अकिल बता घड़ी विपत की आई अरे मुगलन की करिए कटाई सरदारों दरवाजे बंद कर लिए गेट बड़ो खतरनाक और तमाम मुगल गेर गेर के लाठी हथियार ने भगे और वो अहमद साहब प्राण बचा के दरवाजे बंद करके भगो और महल में तय खाने में जाके दुबको वीर सिंह सरपंच भी दुबको दिखे बेगम के धर पहुंच गो और रोबे मरे और गिरे अकबाई कोई अकेले बता ये तो बहुत जोर के लड़वैया आए ये ना छोड़ेंगे सरदारों कैसे वो बेगम क्या कहती है सुनिए क्या कहती है बेगम चतर सुजान ने और दई फिर अकिल बताए बेगम चतर सूरजमल बस में आवे तो हाँ। और सब काबू में आए अरे